टाइम एंड टेंस आर दे डिफरेंट आर दे सेम वी गोना लर्न टुडे द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टेंस एंड टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जबकि टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। टाइम नेचुरल कॉन्सेप्ट है जबकि टेंस अंग्रेजी ग्रामर को समझने के लिए बनाया गया एक शब्द है। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। टेंस एंड टाइम सामान्य कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन्न होने को प्रदर्शित करते हैं लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। उनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाएगा। शी इज कमिंग टुमारो, सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये वाक्य फ्यूचर टाइम एक्शन को बताते हैं लेकिन इनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाता है। अतः टेंस एंड टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब आपको टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार का होते हैं, एज वी ऑल नो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चलिए देखते हैं टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, टेंस होता क्या है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस क्रिया का ही एक स्वरूप है जो कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कब हो रही है, इसको भलीभांति दर्शाता है। क्रिया का ही एक स्वरूप टेंस है। क्रिया कब हो रही है, कैसे हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, ये सारी चीजें टेंस में दर्शाई जाती हैं। तो टेंस एक क्रिया का ही स्वरूप है। चलिए अब जानते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, और जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अतः जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है शब्द भी आए और उनमें समय भी दिया हो कि 2 घंटे से, 3 बजे से, अनिश्चित और अनिश्चित समय, 2 साल से, सन 2002 से टाइम भी दिया हो और रहा है, रही हो भी उसमें आया हो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जी हाँ, डिफरेंट क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे के साथ साथ निश्चित और अनिश्चित समय भी दिया रहेगा। जैसे वह 3 घंटे से खेल रहा है, वो 2 बजे से खेल रहा है, वो 4 साल से पढ़ता आ रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खेलता है। हमने जाना है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? अगर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं तो मैं खेलता हूँ, आई प्लेस होना चाहिए, आई सिंगुलर है, प्ले में एस या एस जोड़ देना चाहिए तो आई प्लेस होना चाहिए। जैसे वह खेलता, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्लेस होना चाहिए। आई प्लेस क्यों गलत है? चलिए देखते हैं ये क्यों गलत है। नियम ये कहता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में कर्ता आपका एकवचन होना चाहिए, उसके साथ साथ कर्ता थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। मैं आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसके साथ एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा। एस या एस जोड़ने के नियम क्या है? कर्ता थर्ड पर्सन होने के साथ साथ एकवचन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, अतः वह थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन होती है। आई और वी को छोड़ करके आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए आई के साथ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। वह लिखता है, ही राइट्स, वह थर्ड पर्सन है अतः सिंगुलर भी है, इसलिए वर्ब की पहली अवस्था राइट
वर्ब का मतलब होता है किस क्रिया, क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का करना या होना, क्रिया कहलाती है। खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, रोना, गाना, ये सारी चीजें क्रिया है। तो क्रिया की पहली अवस्था, पहली अवस्था मतलब क्रिया की तीन, जैसे प्ले, प्लेट, प्लेट, तो ये तीन अवस्थाएं होगी। पहली अवस्था क्या है? प्ले। तो प्ले में की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे यदि कर्ता एक वचन है और वह थर्ड पर्सन भी है। जैसे आई प्ले, आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए हम इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। नियम क्या कहता है? एक वचन होने के साथ साथ वह थर्ड पर्सन भी हो। वह थर्ड पर्सन है, ही राइट्स, वह लिखता है, वह थर्ड पर्सन है और एक वचन भी है, इसीलिए हम राइट में एस लगा देते हैं। इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अब ये छोटे छोटे वाक्य हैं, फिर आगे चल के हम बड़े बड़े वाक्य कवर करेंगे। टुडे वी लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दें। तो दोस्तों बहुत इजी है। लोग पूछते हैं कि क्या बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलनी आती है? तो मेरा इस जवाब में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मैकेनिक होते हैं जो गाड़ियां बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वो अच्छे ड्राइवर भी हों। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन क्या वो गाड़ियां रिपेयर कर लेते हैं? नहीं ना। तो यही डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आए तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। बोथ है, आप कहाँ से हैं वो बताना होता है, आप क्या कर रहे हैं वो बताना होता है। तो सबसे पहले शुरू से ही पहले अपना नाम, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, ये बताना होता है। आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, ये बताना होता है। उसके बाद आप अपना, अपनी कोई हॉबी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं बता सकते हैं। और फिर आता है कि आपका फैमिली इंट्रोडक्शन, आपका सामने वाला जो भी पूछना चाहता है, फिर वो एड ऑन होता चला जाता है। सो लेट्स सी हाउ वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। माय नेम इज, क्या आपका, आपका जो भी नाम हो आप वहां पे फिल कर सकते हैं। माय नेम इज हूएवर यू आर, यू कैन फिल अप योर नेम। एंड फ्रॉम मींस आप कहां से हैं। You are from Lucknow, you are from Kanpur, or you are from Mumbai, wherever you are from, you can put your place where you live. And after that, you are doing, pursuing, then like you are doing your college, then you can say you are pursuing 10th, 12th, intermediate or whatever. Aap apni company ka naam bhi yahan par le sakte hain. We are working in this XYZ company. And after that, you can tell about your hobbies, what are your hobbies, you can tell like reading books and writing or playing cricket, these are your hobbies. And after that, if somebody asks you about your parents' introduction, then you can tell the name of your parents and their occupation and so forth and so on. So you can add so many things on introduction. So the primary introduction is about yourself. My name is this, I'm from there, I've been working for this company for 5 years or XYZ years, and I'm pursuing intermediate or high school, or I want to become doctor, engineer, or whatever. So like this you can give your introduction. Let's see from the beginning. My name is XYZ, I'm from XYZ, I'm pursuing intermediate or high school, graduation, whatever. I want to become a doctor, a businessman, or XYZ. My hobbies are these. So this is how you give your introduction. It is very, very simple. It's not a rocket science. Whatever comes into your mind, it's a beginning, like we all are learning curve. So let's start, speaking. Unless you make your mouth, habitual of speaking English, it is very difficult for anybody to speak, because we are habitual of reading books, we are habitual of reading newspapers and different other things, but we are not habitual of speaking without any book or without any assistance. So when you start speaking without any assistance,
the moment you start speaking English. So follow along my story, and the day will come you're gonna become a fluent and prominent speaker as well as the best grammarian. Follow my stories, and please, if you like, please subscribe to my channel. I promise that I'm gonna tell you so many different things, that practical things that nobody has told you before. I'm gonna tell you nuts and bolts of the grammar. Please like, share and subscribe my videos. Take care. Bye bye.